उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार में उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय दौरा मुरादाबाद से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए। जो भी सीएम योगी को सुनने आया उसका बारीकी से चेकिंग किया गया। चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया। सीएम के आने पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्कूली बच्चों द्वारा सीएम के आने पर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने 2 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं, लेकिन विकास कार्यों में विपक्षी विधायकों का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उनके विकास का मतलब खुद का विकास या सैफई का विकास है। साथ ही कहा कि 2017 में जो गलती की थी उसे फिर दोबारा मत दोहराना, बस यही याद दिलाने आया हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में प्रदेश में नई तकनीक से सड़कें बन रही हैं जो 50 साल तक विकास की राह खोलेंगी। उन्होंने कहा कि पहले तो ये पता नहीं चलता था कि सड़क है या खेत, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले बैलगाड़ी सड़क पर आते ही चलते चलते बैल गायब हो जाता था अथवा बैलगाड़ी से सामान चोरी हो जाता था, लेकिन अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता क्योंकि अब सज़ा दी जाती है। पहले माँ बेटियों की सुरक्षा के लिए परेशान रहती थी, लेकिन अब बेटियाँ सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 30,000 बेटियों को पुलिस में भर्ती किया गया है। उन्होंने सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले सरकार सैफई से आगे नहीं बढ़ती थी। पहले पेंशन सपा के कैडर को मिलती थी, सपा के लोग सरकारी खजाने से अपनी जेबें भरते थे, लेकिन अब ऐसा करने वालों का जेल इंतज़ार कर रही है। सभी को पेंशन समान दी जा रही है। प्रदेश को एक्सपोर्ट हब के रूप में पहचान मिली है। लोगों को घर पर ही रोज़गार मिलता है। उन्होंने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में दिल्ली की हालत देखो और यूपी की हालत देखिए। दिल्ली के लोग गाज़ियाबाद और मुरादाबाद के अस्पतालों में भर्ती हुए, हमने यहां उनकी सेवा की। सीएम योगी ने दावा किया कि भाजपा ने 4.5 साल में प्रदेश की तस्वीर बदली है, धारा 370 को हटाया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर होगा। सीएम योगी ने जनता से पूछा कि क्या कांग्रेस सपा या बसपा के लोग मंदिर बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों बेघरों को घर दिया है। अब किसानों का गन्ना भुगतान भी समय पर होता है। सभी चीनी मिलों से कहा गया है कि इस बार सीजन शुरू होने से पहले बकाया 5,000 करोड़ का भुगतान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 30 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम की मौजूदगी में विभिन्न पेंशन योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने कोविड काल में जान गंवाने वाले ब्लॉक में बाबू मनीष मौर्य की पत्नी को 30 लाख रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही कोविड में अनाथ हुए 5 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत चेक भी दिए गए। प्राइमरी स्कूल फरीदपुर में
उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कोविड-19 में रतन आश्रित के रूप में हसन सिद्दीकी 30 लाख रुपए की सहायता इनको प्रदान की जा रही है। संजय डूडा आवास योजना शहरी मिल्केश PMAY अर्बन के लिए 2,50,000 की सहायता। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए झुंडा सिंह 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए प्रमाण पत्र दिलीप शर्मा ये 4,000 रुपए प्रति माह इनको दिया जाता है कोविड काल के लिए जो माता पिता नहीं रहे। कन्या सुमंगला योजना के लिए आशु कुमारी 2,000 रुपए आपको 6 क्लास। किसान सम्मान योजना नरेश सिंह केका सिंह को 6,000 रुपए वार्षिक की धनराशि प्रमाण पत्र और एक जनपद एक उत्पाद के लिए सिमली मिया आसिफ अली को 50,00,000 का चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य सदस्यों के हाथों इसे पाकर धन्य है हमारे लाभार्थी। योजनाओं को स्मूथ रूप में पारदर्शी रूप में लागू करने की जो एक सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है चलते हैं लोग पर दूसरा भी अगर साथ दे तो और बात है। आप जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए और इन योजनाओं के लिए जो प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की। जब तक श्रोताओं की तालियां नहीं होती तब तक किसी भी कार्यक्रम का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं होता। इसी अपेक्षा है आपसे कि आप जोरदार तालियां बजाते रहे। सीएम योगी के पहुंचते ही आला अधिकारी की पैनी नजर हो गई और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरद्वारा विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा, ब्लॉक प्रमुखगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मुरादाबाद के खासतौर पर ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र से गांव-गांव से यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से इस विधानसभा की तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं राज्य सरकार की ओर से इन सभी लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं को और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो रहा है। आपने देखा होगा दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उभर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 2017 में अगर ठाकुरद्वारा से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो याद करिए जैसे मुरादाबाद कि उन विधानसभाओं में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पैरवी करके विकास की योजनाओं को लेकर के आते हैं, अगर वही कार्य
2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता ठाकुर द्वारा से, तो विकास की वही गंगा ठाकुर द्वारा विधानसभा में भी पहुंच पाई होती। लेकिन भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद सरकार विकास की योजनाओं को लेकर के आपके पास आई है। विकास की योजनाओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है, शासन में बार बार जाकर के अपनी बात को रखना पड़ता है, स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करना होता है और तब विकास आता है। कोई विधायक भाजपा का ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 1500-2000 करोड़ रुपए से कम के कार्य न कराए हो, लेकिन जहां पर विपक्ष के विधायक हैं, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए विकास तो केवल स्वयं का विकास होता है, उनके लिए विकास तो सिपाही खानदान का विकास होता है, उनके लिए विकास तो स्वयं के विकास से बाहर सोच करके नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो चूक 2017 में हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए 6 महीने पहले आपको याद दिलाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए, इधर आइए, कि आपने जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाया है और हमारे तमाम ब्लॉक प्रमुख भी जिले के अंदर अलग अलग विकास खंडों के अंदर चुने गए हैं, ये सभी विकास में रुचि ले रहे हैं। जैसे हमारे विधायक गण, विधान परिषद सदस्य गण रुचि ले रहे हैं, वैसे ही वे भी विकास में रुचि ले रहे हैं और निश्चित ही इसका लाभ मुरादाबाद की जनता जनार्दन को अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, इससे पहले गांव में सड़कें नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि खेत है या सड़क है। आज तो जिला पंचायत के द्वारा नई, पहले तो हॉट मिक्स प्लांट की सड़कें गांव में बनाई जा रही हैं और दूसरा एक नई तकनीक के साथ भी जिला पंचायत अब सड़कों के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और भाइयों बहनों, आप देखना, ये टिकाऊ सड़कें आने वाले 50-50 वर्षों तक गांव की तकदीर को बदलने का कार्य करेंगी। जब अच्छी सरकार आती है तो विकास की सोच लेकर के आती है, जब स्वार्थी दंगा ग्रस्त कर दंगा भड़काने वाली, अराजकता फैलाने वाली, माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली भ्रष्ट प्रवृत्ति की सरकार आती है, तो फिर आम जनमानस का जीना हराम हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, हमारी सरकार जब 2017 में आई थी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने प्रदेश की बदलती हुई तकदीर और तस्वीर को देखा होगा। भैया बहना, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बिजली केवल 4 जनपदों में मिलती थी, बाकी जनपद अंधेरे में रहते थे। आज तो हमने तय कर दिया 2017 से ही कि गांव हो या शहर, हर जगह समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर बिजली मिलनी चाहिए और बिजली की समान आपूर्ति प्रदेश के अंदर की जा रही है। आपदा को छोड़ दें तो शेष कोई भेदभाव नहीं, आपदा में बचाव के उपाय करने पड़ते हैं, कोई दुर्घटना न होने पाए इसके लिए बचाव करना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन में बहुमूल्य है और मनुष्य के जीवन के बहुमूल्य को देखते हुए सरकार कुछ निर्णय उस समय लेती है। लेकिन सामान्य दिनों में हरेक व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने का कार्य बिना भेदभाव के सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जब हम लोग 2017 के विधानसभा चुनाव में आए थे,
उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में आते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शिकायत मिलती थी। वो शिकायत मिलती थी यहाँ पर अवैध बूचड़ खानों से होने वाली गोवंश की क्षति के बारे में, और उस समय शिकायत मिलती थी इस बात को लेकर के कि यहाँ पर कोई भैंसावान अपना भैंसा गाड़ी लेकर के जा रहा है, 5 मिनट के लिए कहीं रुक गया और कहीं दुकान में चला गया, कहीं टॉयलेट चला गया, इतने में भैंसा गायब हो जाता था, पीछे का केवल बाकी रह जाता था। कोई बैलगाड़ी जा रही है, पता लगा बैलगाड़ी में बैल गायब हो गए और पीछे का केवल खोका मात्र बच के रह जाता था। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, कोई भैंसावान का भैंसा हो या बैलगाड़ी का बैल, कोई जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतने को तैयार रहने की स्थिति होती है। हम लोग आते थे यहां पर, बहन और बेटियों की ओर से, परिवार की माताओं की ओर से एक शिकायत आती थी कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। पूछते थे क्यों, उपद्रवी और गुंडे तत्व सत्ता का संरक्षण पाकर के बहन और बेटियों को जबरन छेड़खानी करते हैं, जबरन उठा करके लेके चले जाते हैं, जबरन करते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का ही गठन नहीं किया, बल्कि प्रयास किया कि हर गांव की कोई बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाए और फिर इन मजलों को सबक सिखाने का कार्य भी करे। और आज प्रदेश के अंदर 30,000 बेटियां उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। कितनी? 30,000। और वहां कानून व्यवस्था बनाने में तो योगदान दे ही रही है। मिशन शक्ति के तहत महिला पीक अधिकारी के रूप में गांव गांव जाकर के महिलाओं के कल्याण की योजनाओं को भी उन तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, और यही महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी, 2017 के पहले भी सरकार थी और 2017 के बाद भी सरकार आई है। 2017 के पहले सरकार थी, लेकिन सरकार अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती थी। सरकार उस समय एक परिवार की थी, एक खानदान की थी, उसके लिए सफाई सब कुछ था, उससे बाहर सोची नहीं थी। भर्ती निकलती थी, उनका प्रयास होता था, एक खानदान का प्रयास होता था कि सभी भर्तियों में वे लोग वसूली कर ले, और वसूली के अभियान में निकल पड़ते थे। योजना कोई आती थी, बंदर बांट होता था। और पहले तो 2017 के पहले मुख्यमंत्री बनने पर क्या होड़ लगती थी, पहले अपनी हवेली बनाने की होड़ लगती थी, और हमारी सरकार आई, हमने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के लिए और किसी मंत्री के लिए स्वयं क्या आवास और हवेली महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गांव का गरीब और मोहल्ले का गरीब। 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया गया प्रदेश में। भाइयों बहनों, ये मकान पहले भी दिए जा सकते थे, पहले सोच नहीं थी, पहले सोच नहीं थी। पहले इन्होंने पेंशन को भी पार्टी से जोड़ करके समाजवादी पेंशन चलाई, और समाजवादी पेंशन किसी वृद्धजन को नहीं, किसी निराश्रित महिला को नहीं, किसी अनाथ बच्चे को नहीं, किसी दिव्यांगजन को नहीं, ये पेंशन किसको दी जाती थी? समाजवादी पार्टी के कैडर को दी जाती थी। पैसा सरकार का, पैसा जनता जनार्दन का, और उसको समाजवादी पार्टी के कैडर को बांट करके प्रदेश के खजाने को खाली करने का प्रयास होता था। लेकिन आज हर निराश्रित महिला को पेंशन प्रदेश सरकार दे रही है।
हर अनाथ बच्चे को सहयोग सरकार कर रही है और हर उस बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है उसको सरकार अपनी योजनाओं से जोड़ करके पेंशन की सुविधा का लाभ भी दे रही है। आज कोई नौकरी के नाम पर वसूली नहीं कर सकता और अगर वसूली करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की जेलें उसका इंतजार करती है कि कब ये आएगा, इसको हम जेल के अंदर फिर ठोसने का कार्य करेंगे। आज तो क्या मुरादाबाद है, क्या संबल है, क्या बागपत है, हर जगह का नौजवान पुलिस में भर्ती हो रहा है, शिक्षक बन रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, पुलिस में अधिकारी बन रहा है, आरक्षी बन रहा है, हर एक जगह उसमें सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर नौकरी दी। ये मुरादाबाद तो वैसे भी पीतल उद्योग के लिए जाना जाता था, 2017 के पहले यहां का पीतल उद्योग दम तोड़ रहा था, सैकड़ों वर्षों की विरासत दम तोड़ रही थी, कोई पुरसाहार नहीं, पिछली सरकारों को पुरसत ही नहीं था किस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार आई, 2018 में हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से मुरादाबाद के लिए यहाँ का पीतल उद्योग को रखा और पीतल उद्योग के माध्यम से हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मुरादाबाद से लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीतल का जो सामग्री बनती है यह दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव और दंगों के लिए नहीं, अवैध तस्करी के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन गया है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर उनके घर में कार्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है। कोरोना महामारी को भी हम लोगों ने झेला है, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आप याद करिए, हर एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। मुरादाबाद के अंदर 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, 14 लाख लोगों को मुरादाबाद जनपद में। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, अभिनंदन करूंगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, जिनके कारण हमारी जनता जनार्दन को फ्री में वैक्सीन मिल पा रही है और कोरोना जैसी महामारी से हम अपने लोगों को बचाने में सफल हो पा रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर क्या हालत खराब है, आपके सामने दिल्ली है, मुश्किल से 1.5 घंटे की दूरी पे आप दिल्ली, क्या स्थिति थी कोरोना के दौरान दिल्ली की? दिल्ली की सरकार से संभले नहीं संभल पा रहा था और वहां के लोग मुरादाबाद के हॉस्पिटल में, गाजियाबाद के हॉस्पिटल में, नोएडा के हॉस्पिटल में आकर के आप भर्ती होते थे। लोग कहते थे कि वे लोग आ रहे हैं, मैं कहता था नहीं नहीं, ये मानवता की सेवा है, भगवान अगर हमारे लोगों को स्वस्थ रख रहा है तो जो भी आएगा हम उसकी सेवा करेंगे, फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश से कई ज्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हो गई, जबकि दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश के 1/12 हिस्सा है और उस सब के बावजूद वे लोग दिल्ली के अंदर वहां की सरकार संभाल नहीं पाई। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा जनधन अकाउंट धारी हर खातेदार के खाते में प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले हर किसान के खाते में पैसा भेजा, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन धारक के खाते में पैसा भेजा और यही नहीं, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का भी कार्य किया। क्या ये फ्री में राशन पिछली सरकार भी देती थी क्या? पिछली सरकार के समय में गरीबों को फ्री में राशन मिल पाता था? नहीं, क्योंकि वे तो
गरीबों का राशन स्वयं हड़प कर जाते थे। कहां से वे लोग गरीबों का राशन देते? भाइयों बहनों, आज देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। 4.5 वर्ष के अंदर बदले हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वही फॉर्मूला लागू किया, आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाता था, तब हम लोग कहते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। और मोदी जी ने 2019 में देश के अंदर आतंकवाद की जननी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। आप लोग याद करते थे, हमेशा नारा लगाते थे, हम लोग आते थे चुनाव में नारे लगते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर पत्रकार बंद और विपक्षी लोग हम पर टिप्पणी करते थे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करा दिया। और आज आपने देखा होगा, निरंतर समाचार पत्रों में आ रहा है, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक ऐसा मंदिर 1000 वर्षों तक कोई भी आपदा किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बिगा नहीं सकती, ऐसा भव्य मंदिर दुनिया का एक अनुपम मंदिर बन रहा है अयोध्या में रामलला की पावन भूमि पर। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? आपको विश्वास है क्या? और सपा के लोगों पर, क्या सपा के लोगों पर आप विश्वास करते हैं? क्या वे राम मंदिर बनाते? और बहन जी की पार्टी पर बना पाते? कौन मंदिर बना रहा है? भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया 2017 में, 2014 में, 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों की बाधा को दूर करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई। आपको अच्छा लगा? सभी लोग सहमत हैं? सबको लगता है ना कि जो काम अयोध्या में वो अच्छा हुआ? यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। कुछ लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, याद करना। 2017 में हमारी सरकार आई, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था, 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है, और स्पष्ट कह दिया गया है कि नया सीजन आने के पहले गन्ना मूल्य का जो शेष 5,000 करोड़ रुपया बकाया है ये भी भुगतान होना चाहिए, किसान भाइयों को ये भी मिल जाना चाहिए। सरकार ने बहुत स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम किसान भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण और अन्याय नहीं होने देंगे, और सरकार किसी प्रतिबद्धता का परिणाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय होना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान भाइयों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बने, इसीलिए ये योजना लागू की गई है। और इसीलिए आज इस ठाकुर द्वारा विधानसभा में आपको पुनर्स्मरण कराने के लिए मैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मंत्रीगण विधायकगण आपके बीच आए हैं, पदाधिकारीगण आपके बीच आए हैं, आपका आह्वान करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार अपना पूरा
7.5 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हैं। 24 घंटे का समय बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे देश को और जनता जनार्दन को समर्पित है और 4.5 वर्ष से हमारी सरकार इसी प्रकार से कार्य कर रही है। अगले 6 महीने का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाइयों बहनों, आप लोग क्या 6 महीने का समय अगर हम 4.5 वर्ष जनता जनार्दन को समर्पित करते हैं, क्या आप भी 6 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को उपलब्ध कराएंगे? सभी लोग सहमत हैं। मेरे सामने जो बात यहां पर अभी आई थी, कुंवर सर्वेश सिंह जी कह रहे थे कि यहां पर 1947 के आसपास आने वाले जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से जो लोग आए थे उनके जमीन के पट्टों से संबंधित मामले लंबित पड़े हुए हैं और हमारी सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है जब सुशांत सिंह के नेतृत्व में ये सभी किसान मेरे पास आए थे, हमने एक कमेटी का गठन किया है। भाइयों बहनों, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं। आपको याद होगा विपक्ष नहीं चाहता है कि इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि विपक्ष तो आपके मार्ग में रोड़े बनना चाहता है। विपक्ष ने तो जो कानून मोदी जी ने बनाया था सीए का, उस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हर हिंदू को प्रदेश के अंदर नागरिकता देने का अधिकार भी दिया गया था और वह दिया भी जा रहा है। लेकिन विपक्षियों ने कितने बड़े बड़े आंदोलन करवाए थे, दंगे करवाने के प्रयास किए थे और दंगा इस हद तक करवाने का प्रयास कि निर्दोष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था अगर यहां जलाओगे तो फिर तुम्हारी पूरी आने वाली पीढ़ी इसका भुगतान भी करेगी, याद रखना। अगर हम कड़े तेवर नहीं दिखाते जो उत्तर प्रदेश को जला देते, लेकिन हम लोगों ने कहीं ढिलाई नहीं बरतने दी। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए सरकार कानून के अनुसार हर प्रकार की सुरक्षा का कवच आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। हर बहन बेटी को सम्मान भी देगी, सुरक्षा भी देगी और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य भी करेगी। हर नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को लेकर के सरकार कार्य कर रही है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। धनगढ़ समाज से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए भी सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इस समस्या का समाधान भी कोई करेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज जो विकास की योजनाएं आपको दी जा रही है, इस योजनाओं के बारे में जो संपन्न हो गई है उसकी बधाई, जो योजनाएं प्रारंभ हो रही है प्रशासन से कह करके कि समय पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके कार्य के मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन को इसका लाभ मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और जनपद मुरादाबाद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों के प्रति इन सभी योजनाओं के लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने जनप्रतिनिधियों को जो यहां मंच पर बैठे हैं इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके परिश्रम से आम जनमानस को शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।